उसका असली नाम तो जो था छुपा रखा है। पर सब उसको कृतिका के नाम से जानते हैं तो वो मेरा नशा बन गई अगर तुम तो ये देख रही हो तो यू कैन रीच मी आउट बोलो निशान जिंदल महीने का कितना थे? अपने कितनी थे? चार मंथ पढ़ के स्वागत आपका मेरे चैनल पे तो अभी मैं हूँ आईआईटी दिल्ली निशान जिंदल के साथ इनका रैंक जो आया था टू फोर्टी सेवन रैंक आया था एक चीज़ बहुत ज्यादा फेमस थी हट करके एक बार स्टार्ट करते हैं वहीं से ये बात कर <laughs> गला फट जाता मतलब तो है बोलना। बहुत पॉपुलर हो चुके हो अब इस हट वाले से ये कहाँ से आया अलग से विचार कैसे मतलब बच्चे एक बच्चे से मिला था मैं वो बोल रहा था यार वो तो डांटते बहुत हैं यार मैं मतलब हर बार ये सोचता हूँ बच्चे को किस तरह से सिखाया जाए जी तो एक जैसे मतलब अगर उसकी बुरी आदतें आदत है हमारी कोई गलत चीज़ करता है तो so, मैं उसको आ, उसको हट बोल देता हूँ या हट मतलब कि यू विल नॉट बी रिस्पेक्टेड फॉर डूइंग दीज थिंग्स उसका सिंपल भाई इतनी लंबी बात क्या बोलें हट बोल दो ठीक है अपन गाँव वगैरह में मतलब देसी लैंग्वेज में अगर बोले तो हट बोलते हैं उसे तो बंदों को ना वो एहसास होता है उससे दिमाग खुलता है हट से जा भी जाता तो है सोया वो बंदा बल्कि सोया से जागने या कहीं लोगों ने कहा कि हट की ना कंपाइलेशन बना ली

आप जब कोई बात बोलोगे ना mm -hmm. तो देर विल ऑलवेज हीट ठीक है या तो आप सबको देखो आपको सबको खुश करना है तो आप फिर आइसक्रीम बेचने लग जाओ पर mm -hmm. उससे डायबिटीज वाले दुखी हो जाएंगे अच्छा mm -hmm. अभी हमने देखा कि आपका एक कंट्रोवर्सी था कि आपका चैनल डिलीट होने वाला था तो क्या चीज इसके पीछे की क्या स्टोरी थी क्यों आपका चैनल मतलब अचानक से डिलीट होने वाला इतना बड़ा पॉपुलर चैनल आपका पे का तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल्स ऑफ एंड आई कम विद क्रेडिबिलिटी I got all India rank 247 in JEE advanced, and my IIT Delhi is full graduate too. Mm -hmm. And the kind of tips that I give to the students, uh, वो बच्चों को बहुत help करती है. Mm -hmm. And uh, lately people started understanding me. एक time तक ना लोग मुझे नहीं समझ पा रहे थे. But lately मैंने भाई थोड़ा सा और creative बना. And लोगों को अपनी बात समझाई. And many people started believing what I said. And they started seeing change in their profession. अपने उसमें उनको uh, परिणाम दिखे अच्छा लगा उनको. And वहाँ से माई स्टार्ट चैनल स्टार्टेड ब्लोइंग अप मतलब भाई साढ़े तीन ट्रॉफीज मेरे रेगुलर आ रहे थे इन तीन चार मंथ से आ रहे थे और आगे भी मतलब ये बढ़ रहा था नंबर वॉज गोइंग अप 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 एंड दिस इज़ अ थ्रेट टू सम पीपल कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं है <laughs> कि भाई मतलब कोई भी राइज कैसे कर सकता है ठीक <laughs> है और अगर मेरा कोई बैच वैच वगैरह चला रहा होता मैं तो वो लोग भाई मेरा वोट आ रहे थे टीचर्स वगैरह कोच कर लेते आपने देखा वतीत में यही चीज़ें हुई हुई हैं बट uh, मेरे पास बट uh, मेरा मेरा सिस्टम इनकी समझ से बाहर था तो ये वो ना कर सके इन्होंने चैनल पर स्ट्राइक मार दी एक हफ़्ते में तीन स्ट्राइक मार दी ताकि अधिक से अधिक मुझे नुकसान हो सके और आज मैं अपने चैनल पर वीडियो नहीं डाल सकता और टेक्नीशियन uh, um, पे आ गया बट पॉइंट द बिगर पॉइंट इज़ कि यार उन्होंने ऐसा क्यों किया नहीं नहीं। एक जो वीडियो पर स्ट्राइक पड़ी थी उसमें ना मैंने uh, जो कंपनी थी उसके कोचिंग मोड्यूल का रिव्यू किया था तो बच्चों को मॉड्यूल वो देते हैं ये कह के कि यह आई आई लेवल का मॉड्यूल है मैं यार मैंने खुद आई आई किया तो मुझे तो पता ही होगा कि अच्छा आपको किसी ने सजेशन दी कि आप रिव्यू करो या फिर अच्छा आप... भाई बच्चे कामेंट में फ्लड कर देते हैं यार बच्चे को जानना है ना यार निशान दिंदल कभी पेड प्रमोशन नहीं करता निशान दिंदल कभी मतलब एक एक ट्रस्ट वर्दी बंदे की तरह आता है कि भाई सारी बातें एक तरफ हैं तो उसने खुद आई आई क्वालीफाई कर रखा है प्लस जो वो मेरी एडवाइस अपनी ज़िंदगी में उन्हें लगाई तो बच्चे मुझे कामेंट से बताते हैं कि मैं इसकी वजह से ज़्यादा पढ़ने लग गया ये मेरा आउटपुट बढ़ने लग गया अब एडवांस क्वेश्चन हो रहे हैं कोचिंग में मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं रैंक अच्छी आ रही है ठीक है ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ एक बार को उसका बच्चा कॉन्फिडेंस गेंदते हैं मेरी वीडियो देख okay. के कई बार ऐसा होता है hmm. बट जब वो मेरी बात को अप्लाई करता ना तीन चार वो हेट करता रहता बहुत टाइम तक फिर वो देखता है कि यार पता नहीं हेट तो मैं कर रहा हूँ पर मेरा फायदा हो रहा है करने को गुस्सा आ रहा है गुस्सा आ रहा है पर कुछ टाइम बाद मुझे फ़ायदा होने लग गया तो वही वो बात कह रहा हैं मैं मज़ा मज़े में अप्लाई करती हूँ मैं मैदा हो गया तो ये चीज़ बच्चे को बड़ी पसंद पसंद आने लग बच्चे फिर इसलिए देश टेक ओवर एंड देश टिक अराउंड एंड दे वॉच कोई भी नई वीडियो आती मिस नहीं करनी यहाँ मौत यार एंड तो मैं बहुत क्रेडिबल पर्सन हूँ एंड लोगों ने मुझे कहा कि यार आप रिव्यू करो आप बताओ कि क्या सही क्या गलत एंड नॉट ओनली दिस कोचिंग

और मेरे फादर ने बड़ी मेहनत करके मुझे वहाँ बचाया तो मैं यार आपको पता होगा आई आई टी डेली इस देश में स्टार्टअप्स का हब है मतलब एक कॉलेज ने इस देश के 25 परसेंट यूनिकॉन कंपनीज दी हुई है तो आई आई टी डेली से मैं उन फाउंडर से मिला और मेरा करियर है स्टार्टअप्स का मैंने पिछले छः साल तक छः साल से मैं स्टार्टअप से काम कर रहा था और मैंने उसमें तीन बार फंडिंग रेज की है और मैंने वहाँ बहुत काम किया बहुत काम किया तो मेरे को भगवान की कृपा से पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे एक रेस्टोरेंट चेयर है डेली के अंदर क्या है रेस्टोरेंट चाहिए अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट तो मेरे को भगवान की और पैसे की प्रॉब्लम नहीं रही ठीक है और मैं इसलिए भाई मेरे को ये सब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अच्छा इन सब चीज़ों से कितना डिस्ट्रैक्ट हुए आप डिस्ट्रैक्ट हुआ देखो मैं झूठ कभी बोलता नहीं ना आज बोलूँगा मेरे को परमाफ पढ़ाया यार क्योंकि ये चैनल मेरे भाई बहुत मेरे बहुत दिल से बनाया हुआ चैनल था मैं मुझे जब मैं आपको नहीं लगता आपने रिव्यू करके मिस्टेक कर दिया कोई मिस्टेक अच्छा इस चीज़ का कभी वो नहीं मेरा मकसद है चैनल बनाना मशहूर होना ये सब नहीं था मेरा मकसद था गाइड करना मैं जो गाइडेंस मैं सबसे बड़ा भाई मेरे चार भाई बहन है सबसे बड़ा मैं और सबसे बड़ा होता है उसको गाइडेंस नहीं होती अभी मेरे घर में मैं पहला बंदा उसने बारहवीं पास करी मेरे पास वो रिसोर्सेज कभी जे नहीं ना कोई गाइड करने वाला था जब मैं आई आई टी पहुँचाना और मैंने तुम मैंने बताया जैसे कि भाई मैं तो कोचिंग अब में जाकर जैसे कोटा में वन लोगों जा, लो जा रहे हैं मैं ऐसे यहाँ पे दिल्ली में कोचिंग अब होता था वहाँ पे मैं टीचर जो दूसरी कोचिंग के टॉप टीचर होते थे उनको भाई उनकी गाड़ी के बाहर खड़ा होता था, था, था कि वो यहाँ आएगा मैं उससे गाइडेंस लूँगा मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा होता था, था यहाँ वो आएगा गाइडेंस लूँगा ऐसे गाइडेंस ले लेके मैंने भाई अपना ये क्रैक किया और जब मैं ऐसे कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे यार कोचिंग थी कोचिंग का मैं एक बहुत ही सबस्टैंडर्ड कोचिंग में जाता था जिसके नोवेस्ट बैच में था मैं जिस बैच में वहाँ पर टीचर आते थे वो शायरी वगैरह सुनाते थे और बहुत टाइम पास होता था बहुत और स्लो चलता था सिस्टम अच्छा स्टडी के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट इंटरटेनमेंट भी मांगते हैं जैसे आपने बोला सारी वगैरह सुनाते तो अभी कल्चर में ऑनलाइन बहुत चलता है इस पर क्या कमेंट करना चाहोगे आप यार स्टूडेंट ये, ये मांग रहा है स्टूडेंट गलत है टीचर ये दे रहा है टीचर गलत है आपको अगर सिलेबस कंप्लीट करना है लेक्चर पूरे करने हैं हो जाएंगे जो स्टूडेंट ऐसा है सोचो जिसको शायरी ना मिले तो लेक्चर में ध्यान नहीं दे पाएगा वो मेरी बात बुरी लगी जो मैं कोई कहने वाला हूँ पर भाई जो अच्छा इसमें एक चीज़ मैं ऑन करना चाहूँगा कि जैसे मान लो जब स्टूडेंट को इससे पहले आठ से पाँच साल पहले तो शायरी वगैरह नहीं चलती थी वो, वो स्टूडेंट भी पढ़ता था बट अभी आपको नहीं लगता टीचर्स वगैरह के थ्रू ही ये चीज़ें ज़्यादा चलने लग गई हाँ तो ऐसा यार वो क्या रहा है देखो एजुकेशन में ना एंटरटेनमेंट आ रही है ठीक है तो ये होता क्या है इससे अच्छी चीज़ें होती है एजुकेशन में एंटरटेनमेंट आने से कि कुछ लोग जो कभी नहीं पढ़ते वो लेक्चर में आ जाएंगे पढ़ने पर आई आई टी क्रैक नहीं होगा इससे आई आई टी यार एक टफ बैठर है आई आई टी लाख लोगों ने जे का एग्ज़ाम दिया साल और हार्डली चौदह हज़ार लोग आई देंगे ओल्ड आई आई में पाँच सात हज़ार लोग देंगे ठीक है तो क्या लगता है कि वो लोगों को ऐसे लोग थे वो कि यार अगर लेक्चर में शायरी नहीं हुई तो मैं देख नहीं पाऊंगा यार मेरा इतना भी फोकस नहीं है पर आई आई टी जाऊँगा मैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता यार वो बच्चा आई आई टी नहीं कर पाएगा मैं वीडियो जिसके लिए बनाता हूँ उसको आई आई टी करना है जिसको आई आई टी नहीं करना है उसके लिए मेरी वीडियोज नहीं है ठीक है तो उसको मैं ये गाइडेंस दे रहा हूँ कि भाई तू ये शायरी वगैरह मुशायरी ये सब मत हो तू एक्चुअल लेक्चर देख एक्चुअल चीज़ें कर टफ़ प्रॉब्लम चाहिए एडवांस लेवल की चीज़ें कर उससे होगा सर तो मैं उसी में था वहाँ पे मेरे को जब ऑफलाइन को, कोचिंग में ऐसे होता रहा मैं तो सारे दिन ऐसे तो मेरे को जो गाइडेंस नहीं मिली जब मैं आई आई आया तो मैंने कहा ये गाइडेंस बच्चों को देखो अच्छा कोई भी ऐसा भी वो नहीं है कि जो प्रॉपर गाइडेंस दे कोई प्लेटफॉर्म आपके नज़र में प्लेटफॉर्म ही है आठ साल से कर रहा हूँ और आठ साल पहले मैंने मिनटॉनशिप का कॉन्सेप्ट जेई के अंदर लेके आया था मैं लेकर आया था और उससे पहले कोई भी नहीं था मिनटरशिप का और भी लोगों ने बहुत किया है कोशिश कर रहे हैं बट वो मतलब वो सही नहीं करते हैं ठीक है वो हमारे को कॉपी करके वो कुछ किया कुछ कुछ किया बट दे आर नॉट डेडिकेटेड टूवर्ड द स्टूडेंट्स जिस डेडिकेशन से हम करते हैं और जितना पर्सनल अटेंशन हम देते हैं वो कोई नहीं है तो ये गाइडेंस तो गाइडेंस तो कहीं नहीं बोलते रियल गाइडेंस कहीं भी नहीं मैं अगर आप भी देख लेना कोई अगर कमेंट्स में बता देना भाई कहीं और मिलते हो तो वहाँ पे से भी ले लें स्टूडेंट्स बट uh, मैंने भाई इन्चोर किया कि मेरे चैनल पर आके किसी के रियल गाइडेंस इशूज़ किसी को रियल गाइडेंस इशू यहाँ मिलेगी अच्छा एक चीज़ है कि अभी आप आई कर चुके हो राइट तो आई करने के बाद एक आई या फिर बोलो निशान जिंदल महीने का कितना कमा लेते हैं कुछ एक रफ आइडिया मतलब ये महीने का कमाना मिडिल क्लास कॉन्सेप्ट है मिडिल क्लास होस्टिंग महीने से है ठीक है नहीं। महीने कमाना क्या होता है या तो ये तो एम्प्लॉई होगा कोई वो सोचेगा ना so, uh, तो की तनख्वाह कितनी ठीक है गलत नहीं है उसमें बट दैट इज द मिडिल क्लास सो मुझे लगता है कि हर एज के दिमाग में रहता होगा महीने का पेरेंट्स के भी रहता है पर मतलब मैं मैम बहुत अच्छा पैसा कमाता हूँ भगवान की कृपा से पास्ट में मैंने ना मैंने ऐसा नहीं किया यार महीने का कमा फिर मैंने ना इकट्ठा ही इकट्ठा लाइक कि जो स्टार्टअप कर रहा होता है ना वो सडनली बहुत पैसे कमाता है और फिर बहुत टाइम तक नहीं कमाता फिर सडनली कमा देता है तो मैंने उस तरह से ज़्यादा करा है रादर दिन की महीने का सैलरी की तरह देना तो पैसे का ऐसा है कि मैं पैसे नहीं भी कमाऊँगा तीन साल चार साल तब भी मेरी कोई भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मतलब तो तीन चार चार साल क्या बल्कि मैं जितना मैं जितना अम्बल एक्चुअल जीता हूँ मुझे ज़िंदगी पर पैसे कमाने की जरूरत नहीं तो ऐसे अच्छा ओवरऑल अगर बात करें तो कितना कमा चुके होंगे कौन सी कार आ सकती है मैं मेरे को यार मतलब मैं नहीं बोलना चाहता एक बार कोई कोई इंडिपेज लोग वो ना कहते हैं इतनी ऑडी और, और ये और वो ये सब मकवासबाजी है वो लोग जानबूझ के इनडायरेक्ट सिग्नलिंग करना चाहते हैं बट मतलब मेरे पापा अगर ये वीडियो सुन लेंगे तो वो डांटेंगे कि तू जाके क्यों दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है नहीं कर अच्छा जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम हमारा ड्रीम रहता है कि यार आ, आई या फिर जब जिस भी फेज में प्रिपरेशन करते हैं यार कॉलेज में पहुँच के ये कार लेना है ये भी जो भी ड्रीम रहता है वो अचीव करते हैं तो आपने कैसे क्या किया यार जब फिर ड्रीम क्या था क्लास थिंकिंग <laughs> आप भी तो मिडिल क्लास के थे पहले पर बुधा मिडिल क्लास सोचता कभी नहीं था मिडिल hmm. क्लास थिंकिंग है hmm. कि जो ड्रीम जो है ना ड्रीम इज अ कार यानी खर्चा एक ड्रीम है कार एक खर्चा है वो एक ड्रीम है ठीक है एक अलग तरह के कपड़े पहनूंगा ब्रांड के वो एक ड्रीम है महंगा फोन खरीदूंगा वो ड्रीम है सब खर्चों से रिलेटेड है लाइफ टाइम से रिलेटेड लाइफ स्टाइल और फिर कमा के क्या करेंगे हाँ ये अगेन वीडियो का यू यू द मनी मिडिलेटेस और एनी थिंग योर नेटवर्थ योर वेल्थ इज अबाउट योर इन्फ्लुएंस एंड योर मैग्नीट्यूड इट्स नॉट अबाउट कि वो oh, इससे ये खरीद सकता हूँ उससे भाई क्योंकि मिडिल क्लास को ना वो सब कभी मिला नहीं तो हमेशा ये सोचते हैं मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए चीजें मिल जाए बट इमेजिन चलो अंबानी और पैसे कमा के क्या खरीद लेगा ऐसा उस पर नहीं इतने थे? अप्लाई है थे ठीक है ये मिडिल क्लास थे ठीक है अब जिस पे, उस हिसाब से तो भाई जिसपे भाई आ जाए आज जिसपे अंबानी जितना पैसा हो ये किसी भी, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर को, को ले लो सचिन बंसल को ले लो एक्ल उस पर तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए मिडिल क्लास के हिसाब से उसको तो काम छोड़ देना चाहिए काम छोड़ देना चाहिए ना भाई तू इतना पैसा है तो आपको ये खरीद सकते हो पैसा तो खरीदने के लिए होती चीज़ें दो दो चीज़ें खरीदनी तो तुमने खरीद ली अब क्यों कमा रहे हो वो फिर भी कमाए जा रहे हैं कमाए जा रहे हैं कमाए जा रहे हैं अच्छा अभी आप जेई एसपेड को गाइड करते हो क्या प्लान है जे ए को लेके, क्या मतलब कुछ प्लेटफॉर्म लाने वाले हो कुछ टीचर शायर करोगे कैसा क्या प्लान है मतलब जे स्पेड के लिए यार मैं मतलब जितनी है जितना एक्सपीरियंस मेरे को डूइंग uh, स्टार्टअप मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ एंड करने के लिए आया हूँ सो इन पाइपलाइन एंड मैं कर रहा हूँ बट जब वो आ जाएंगे तब सबको पता चल जाएगा तब तभी मैं अनाउंस करूँगा एंड इट विल बी वाइल्ड लॉन्च वो तब करेंगे मतलब कुछ आइडिया दे दो क्या था, क्या लाने वाले वो कोई आइडिया नहीं तो <laughs> <laughs> मतलब कहीं रिवील ही नहीं करना नहीं तो उस पर भी स्ट्राइक पड़ जाएगी <laughs> कुछ <laughs> यार पड़ जाए hmm. मैं तो देखो यार मैंने क्या अपनी बात बदल ली स्ट्राइक पढ़ने से hmm. क्या मैं बदल गया मैं वही हूँ एंड आई विल स्टे द सेम मैं निशांत जिंदल इज नॉट थ्रू अ चैनल एंड आई डोंडी ठीक है जो भी लोग देख रहे हैं वो मेरे विरोधी भी देख रहे आई डोंट फियर एनी बडी ठीक है तो मैं कुछ मतलब मैं 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 तो ये भी मैं स्ट्राइक से डर के नहीं बट इट्स जस्ट किलान्स अच्छा आपने बोला मैंने कई सारी वीडियोस में आपका देखा कि आपने चार मंथ पढ़ के ही आपका जे एडवांस क्लियर होगा टू तो फोर्टी सेवन रैंक आ गई तो नाइन टेंथ एलेवन में कैसे पढ़ते थे आप मतलब उस टाइम पढ़ते थे या फिर मस्ती करते थे तो में मेरी सी थी, तो ए का एक टाइम था जब सी बी एस कर ने सी सी ई अप्लाई कर रखा था which means con continuous and comprehensive evaluation. तो इसमें क्या होता, फ्री के नंबर बढ़ते थे और कोई बच्चा फेल नहीं होता था तब बहुत आसानी से सी बढ़ती थी तब मेरी CGPA थी। ठीक है फिर टेंथ में मेरी जो थी नाइन पॉइंट सिक्स थी जबकि जिस जो भी पॉइंट पढ़ता होगा कि टेन आती थी उस जमाने में

तीन चार साल लग गए थर्ड फोर्थ तक आया तब मुझे इंग्लिश समझ आने चालू हुई और तब तो तक तो था तो एवरेज बच्चा ही था मेरा कोई बेसिक्सिक्सर आगे चलते चलते ऐसे ही चलता था और मैं मौज बचते हुए रहा था प्लस आई टेल यू वन थिंग सो मेरे फादर यार उसमें बिजी रहते थे सारा टाइम दुकान पर और मेरी मदर जो दिमा छोटा था मेरी मदर थी वो भाई हाउस वाइफ वो अपना काम करती थी और उनको पता भी नहीं होता था कि बच्चे को गाइड करना है क्या करना है तो मेरे को कभी उन्होंने पुश भी नहीं किया ऐसे पुश नहीं किया बचपन में तो नहीं किया कम अज कम कि भाई तू कर ले और तो मेरे को उनको पता भी नहीं था क्या करना है हम मुझे यही नहीं पता था स्कूल से घर आके होमवर्क करते हैं ठीक है नोटबुक बनाना रेगुलर काम होता है नोट्स बनाने चाहिए बच्चे मुझे कुछ नहीं पता और ऐसे भाई बड़ा हो गया बड़ा हो गया सब बोल भी रहे थे तो मेरे पे भाई बात मैं सुन तो लेता ना हाँ भाई नोटबुक बनाने चाहिए अब से बनाऊँगा और बस वो पहले दिन बनाता ना अगले दिन उसके बाद पूरे साल कुछ नहीं बनता ना ऐसे करके एंड में भाई एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ने जाता पढ़ लिया वो नहीं पढ़ता था कई बार तो पास तो हो ही जाता था क्योंकि सी बी एस ई पास कर देते थे ऐसे गया था बचपन और इलेवंथ में भी ऐसे ही हुआ था एलेवंथ में कोचिंग गया था मैं वहाँ पर जाके भाई देखा थोड़ा जेई की दुनिया देखी है पर वहाँ पर भी भाई फकर बन थी हमारा ठीक है वही सोचें कोचिंग में हमारा कर दी नॉर्मल मतलब एक तो कुछ कुछ भाई की सीरियस भी था मैं और सीरियस होता था तो भाई वहाँ पर कोचिंग से कोई सपोर्ट नहीं कोचिंग में क्वालिटी नहीं प्लस जई के क्वेश्चन देख लिए तो भाई हवा निकल जाती थी आई रियल क्वेश्चन अगर प्रीवियस की मुँह खोल के देख लिए तो वो लगता था भाई आई यार कैसे हो पाएगा और साथ में फिर भाई मन जब ऐसा उदास होता है तो उसका डिस्ट्रैक्शन तरह ध्यान जाता है तो फुकर है वारा कर दी ये सब भी करता ना एलेवेंथ क्लास ऐसे बीत गई ट्वेल्थ क्लास में भाई फिर थोड़ा सीरियस ट्वेल्थ में हुआ 12th में और ट्वेल्थ क्लास में सुबह स्कूल शाम को कोचिंग ठीक है और स्कूल में तो कुछ होता ही नहीं है ज़्यादातर जेगा बच्चा नॉन ट्रेनिंग करता है स्कूल में आपको बुला के मूर्ख बनाते हैं टॉर्चर करते हैं जेइ स्पीड को डराते हैं उसके शाम को कोचिंग में कोचिंग मेरी कुछ खास थी नहीं और कभी सेल्फ स्टडी तो कुछ वही नहीं ऐसे करके टाइम बीत गया और फिर यार एक टाइम आया कि भाई वहाँ पर मेरे को थोड़ा जिम्मेदारियाँ समझ आई ऐसा होता कि मेरा दिमाग से ही खराब था कुछ था बट एक बच्चा होता को तो भाई ये जानबूझ खराब आती थी या कुछ थी अच्छा एक टीचर्स का मैं दे, मैंने देखा था यूट्यूब पे वेदांतों के थे वो बोल रहे थे कि 2016 के पेपर जिस टाइम आपने करेक् था उस टाइम सबसे टफेस्ट पेपर आता था जी का तो जो बच्चे पढ़ने वाले थे जिनको समझ थी पढ़ने की वो तो खैर उनको समझ में आएगा कि पेपर टफ है जिन बच्चों को कर हाँ वो पैनिक कर गए जिन बच्चों को पता ही नहीं था यार पेपर टफ है इजी है क्या है तो वो तो मजाक मजाक में ऐसे कर दिए यार दस क्वेश्चन और वो सिलेक्ट भी हो गए तो कुछ लोग आपको भी उस पर मैंशन कर रहे थे यार कि ये भी शायद ऐसे मजाक मजाक में करके सेलेक्ट हो गए बच्चे हैं ना बच्चों को तो नहीं समझ आती है बात इस पर क्या कहना चाहोगे आप दस पंद्रह क्वेश्चन गलती से कर दिए ठीक है ना पहली बात तो जो दस पंद्रह क्वेश्चन भी एडवांस के कर रहा है वो भी सही बनता है बट इमेजिन करना मेरी मेरी मेरे क्रैक थोड़ी होगी जो गलती थी उसके आई आई में हल्का था आईआईटी के लिए आपको चौदह हजार रैंक सीखती आई आई टी दिल्ली के लिए आपको पाँच हज़ार रैंक सीखती है चौदह हजार नहीं है मेरी पाँच हज़ार नहीं है मेरी, मेरी 247 मेरे टू फोर्टी सेवन रैंक मेरे साठ परसेंट नंबर थे दस पंद्रह क्वेश्चन पता कितना परसेंट बनेगा दस आठ आठ परसेंट से लेके बारह परसेंट साठ परसेंट तो मेरे नंबर है अस्सी परसेंट मैंने अटेम्प्ट किया होगा एक सौ बीस क्वेश्चन तकरीबन होते दोनों पेपर के मिला के इसका मतलब सौ क्वेश्चन सौ क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसने एक सौ बीस में से दस पंद्रह थोड़ी या दस पंद्रह हो सकते हैं इसे ये तो देखो भाई किस लेवल के बंदे से बात कर रहे हो वो टीचर को नहीं मैं कह रहा उन्होंने पॉइंट सही बोला है कि ऐसा हो बोल दिए हाँ और बच्चे तो बोल रहे हैं ठीक है वो बच्चे हैं भाई ठीक है वो टीचर सही कह रहे हुआ 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 हो ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली हुआ होगा मुश्किल पेपर में ऐसा एडवांटेज मिलता है बट मेरे को भाई मैं अलग लेवल मुझे कन्फर्म था पहले से ये नहीं कि हाँ कुछ नहीं पता मुझे मुझे कन्फर्म था मेरा आई हो जाएगा क्योंकि जो जिस बंदे ने इतने इतने ऊपर मार्जिन से है उसको ये थोड़ी है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचो तो उस बंदे को ही थोड़ी फील होता होगा यार तो मार्जिन से इतना ऊपर है और एक बात और है कि मेरे भाई जई मेन्स में मेरी आई थी वन फाइव वन, वन फोर रैंक ठीक है मेरे बिट साइड में आए थे, थे तीन सौ बहत्तर नंबर मेन्स में आए थे दो सौ चौवन टू फिफ्टी फोर मार्क्स तो भाई सब में ही गलती से आ गए हो यार उस टाइम है ना ऐसे ऐसा थोड़ी होता अच्छा एक चीज जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती है कि यार कॉलेज जाएंगे तो करेंगे मतलब कभी डिस्ट्रैक्शन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो आपका कुछ ऐसा था दे और मतलब कॉलेज में भी मैंने तो मैं जैसे बताया स्कूल में आवारा गर्दी करता था जय तो क्रैक हो गया तो फिर वही चलो टाइम में भी चलो कॉलेज में भी भाई मैं क्या कहते हैं पढ़ता ही नहीं था मेरी सी जी पी एक्स पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट टू नाइन थी रफली और मेरे जो ना मेरी मैं तो बी में फेल भी बहुत हुआ मतलब जब मैं किस दिन पढ़ लिया मूड बन गया तो मैं दसवीं भी लिया था टेन ग्रेड भी लिया था नौ ले नौ भी लिया था ना और जब नहीं पढ़ा तो फेल भी हो जाता था तो बंदा मेरे को, मेरे को, मेरे को कैसे भाई चार साल फिर से पांच साल मेरे पांच साल में हुई तो <laughs> तो तो हाँ, <laughs> चार साल वाली जीथ। जीथ। तो पढ़ सकता हूँ मेरे को यार लेकिन वहाँ पे जाके बड़ा समझ में आया मैंने और भी बहुत चीजें फायदा उठाया आई टी प्लेटफॉर्म का मैंने वहाँ पर हर चीज करी मैंने यूपीएससी ब्रैप करके देखी कैट प्रैप करके देखी करके देखी मैं आगे पूरी नहीं करी मैंने वो कि मेरे को समझ में आ गया इसका अंदर का क्या है सो so, होता क्या है कि मान लो कोई और कहीं और जाके यू की प्रैप कर रहा है या कैट की प्रैप कर रहा है और आई में बैठ के ये सब कर रहा है उसमें बहुत अंतर है सोचो कैसे आई में जो बैठा है ना वो एक फ़ोन घुमा के सारा जानकारी निकाल सकता है कि यू क्रैक करने के बाद लाइफ कैसी होती है सर आपकी लाइफ कैसी है क्योंकि उसके सीनियर ने कर रखा है तो आई सही तो करते हैं आई आई टी से ज़्यादातर लोग करते हैं और तो भाई जो मेरे सीनियर जो भाई मैं जिनसे हॉस्टल में योगा जाता था जिनके हाथ उन्होंने कर दिया था मैंने फ़ोन कर दिया कि भाई कैसा है आ, तो मुझे जिस तरह उन्होंने बताया तो मेरे को लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर मी नहीं। नहीं। तो मैंने छोड़ दिया फिर एक था कि कैट uh, का भी अगेन सो आई गोट टू रियलाइज़ वट एम बी एज़ तो मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाया बींग फ्राम आई आई टी के बंदे आई एम ही मचा रहे थे कैट में ही मचा रहे थे हर जगह खोल हर जगह कोई फील्ड ही नहीं था ना मचा रखा तो मैं बस फोन करता रहा समझता रहा कि वट इज़ इट तो मेरे को पहले ही अंत में क्या होने वाला है आप मैं जई में भी हम कह रहे ना कि बंदों को अंत में क्या होने वाला है पता नहीं होता और अंत में रखा लगता है क्योंकि अपेक्षा कुछ और होती है हमेशा और होता कुछ और है क्योंकि आपके पास वो एक्सपोजर नहीं है और आई ने मुझे वो दिया कि आप हर चीज़ का नतीजा पहले ही देख सकते हो बात करके कि आप कहाँ पहुँचने वाले हो ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा है सिर्फ मेरे क्रिश्चन के रेल फ्रेंशन नहीं मिला अपने कितनी गर्लफ्रेंड बनाई थी ये ये संख्या फिर कभी डिस्कस करेंगे यार मतलब बनाए थे या नहीं बनाए थे अच्छा मतलब तो लोग बोलते है कि आएटी, आएटी जाते थे यार, कोई लड़की होती नहीं है कैसे? तो मेरे बैच में आठ सौ लड़के थे और अस्सी लड़कियाँ थे अठहत्तर लड़किया पर आई आई मतलब आई आई टी जाने का आपकी गर्लफ्रेंड आई आई टी सी होनी चाहिए मतलब और डी यू साउथ कैंपस है फिर बगल में गार्गी कॉलेज है तो मतलब लड़की देखने के लिए बहुत इकोनॉमिक्स है इंटरनेट की चीज होती है <laughs> अच्छा ठीक इधर होम इकोनॉमिक्स है मैं कह रहा हूँ एक्सेस ठीक है तुम्हारे पास उस सब चीज़ों का एक्सेस है ठीक है तो कहाँ से मतलब कौन से सोशल मीडिया से आप देखते थे मतलब अगर मेरे टाइम पर फेसबुक चलता अच्छा फेसबुक दिखाओ वहाँ से अपने बनाए थे बस ठीक है भाई आवाज़ बता दो वे <laughs> तो तो बता दे मतलब चैट दिखा रहे ना हाँ। <laughs> अच्छा लड़की का नाम क्या था <laughs> अच्छा लड़की का नाम वैसे होगा सब जानते हैं एक्चुअली उसका असली नाम तो जो था वो मैंने छुपा रखा है पर सब उसको कृतिका के नाम से जानते थे तो वो शायद देख रहे होंगे मीजिक कृतिका अगर तुम तो ये देख रहे हो तो <laughs> यू कैन रीच मी आउट ऑन अच्छा फिर कभी बात बात नहीं हुआ यार की बात क्या उस टाइम पर तो नहीं था इंस्टाग्राम बहुत ही नई कोई चीज़ थी शायद था मेरी फेसबुक था और फेसबुक पे हैड अ वेरी लाइक आलकी सी आई और उसके बाद वो भी गायब हो गई एंड कोई कांटेक्ट का नंबर नंबर चेंज कर लिया रोमिंग का भी नहीं होता जियो नहीं था कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा बट अगर तुम मुझे देख रही सीरियस नॉट सच में मिलना चाहता हूँ मुझे नहीं पता वो उस टाइम की उस टाइम की थिंकिंग का उस टाइम के निशान जंदल की मोहब्बत थी ठीक है आज मैं मोहब्बत भी हो गई छोड़ भी नहीं भाई आज आई एम डिफरेंट पर्सन ठीक है मजाक कर रहा था अच्छा अभी का क्या विचार है अभी क्या अभी बनाने का कुछ इरादा फुर्सत नहीं ये डायरेक्ट शादी शादी वादी करने के इरादे है कि नहीं अब ये सब बाद में बताओ ये बातें बताई नहीं जाती मतलब देख रखा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं कह रहा हूँ कुछ भी बताया ही नहीं जाते तुमने जैसे वो पीछे तो पूछा इनकम क्या है कुछ क्या है तो यही आंसर है इसका ये नज़र 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 से से डरते हो मैं डर मैं यार मैं तो मानता हूँ और क्यों दिखाना है मतलब अपनी खुशियाँ भाई दुनिया को क्यों दिखानी क्यों दिखाना भाई किसी को क्यों भाई जलाना किसी को क्यों भाई कुछ भी मतलब हम क्यों दिखा रहे हैं क्यों दूसरे वैलिडेशन वेरा आप क्या सुख है आप सुखी रहो अब अच्छा यद तक रखो एक चीज मेरे दिमाग में भी आया है आपका चैनल वगैरह डिलीट हुआ मतलब स्ट्राइक वगैरह आई आपने उसने तो पर रिव्यू भी किया ऐसा नहीं कोई कंपनी फंड कर रही हो आपको <laughs> 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 मैंने तो हार हर हर किसी के देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था यू आर नॉट बायस्ड इफ यू बाट एवरी पब्लिकेशन ठीक है मैं तो भाई किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ ठीक है नहीं, लेकिन टारगेट तो आपको नहीं तो की नहीं मैंने भाई एक और कोचिंग है किट से रैमिंग नाम है उसका किड है ना ऐसे क्राइमिंग ना कॉमेडी ना। तो तो बोला कि भाई मीडिया आकर वॉडियर है मैंने बोला कोई कोई रैंडम को अच्छा ही बोला मैंने अच्छा है बुरा है तो बुरा है जो है है आई कॉल मतलब कोई कंपनी फंड नहीं की <laughs> <laughs> अच्छा भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो जी प्रिपरेशन करते हैं कई बार इन सब चक्करों में फंस जाते हैं तो उसके लिए कोई टिप देना चाहोगे फिर क्या भी चक्कर में फंस गया ना अच्छा इसीलिए <laughs> <laughs> तो देख लो भाई भाई भी उड़ चुके थे तो चक्कर कैसे हुआ था कि एक ना दो लड़कियाँ मतलब क्या हो कई बार ना कोचिंग में मैं जल्दी पहुँच सेंट्रल मार्केट पंजाबी बाग जी पंजाबी बाग में ना वहाँ पे एक वो था मैकडोनल्स था वहाँ पर जाके बैठ जाता था

ठीक है इधर जाना उधर जाना माहौल नहीं होना ये वो हर टाइम बीतने लग गया उस टाइम क्या था अब टफ टफ चीज़ें इतनी थी क्योंकि भाई मुझे पता था मेरे मेरा होने वाला है नहीं, नहीं। जिस जिस न, जो जहाँ चल रहा था वैसे वही बहुत डिमोटिवेटिंग सा एक माहौल था ग्लूमी सा माहौल था कि भाई आने वाला है तो आदमी ऐसे में हमेशा इसकेप मांगता है कोई ऐसी डिस्ट्रैक्शन मिल जाए कि जिससे मैं कुछ दिन सोचना ना पड़ेगा सोचना ना पड़े उसमें नशा हो जाए एक चीज़ का तो वो मेरा नशा बन गई और बन <laughs> <था>। <laughs> लेकिन क्या हुआ मतलब इसको भगवान की ब्लेसिंग कह दो क्या कह दो कि उस लड़की को ना वापस अपने होम टाउन जाना पड़ गया किसी फैमिली रीजन की वजह से संगरूर तो मेरे को ना पसंद अंदर अंदर अच्छा लगा बढ़िया वो चली गई <laughs> और फिर तो के ऊपर फोकस करो तो ऐसे ऐसे करके मेरा सिस्टम बना और मैं बता रहा हूँ मतलब चलो एक एडवाइस दे रहा था सबको कि यार जो आपके ना मैं दूध के दाद तो निकले दी ठीक है और आपको ये सब करना है प्यार मोहब्बत ये सब ना बकवासबाजी है और आपके लेवल पर जो हो रही है ना इस उम्र में वो तो एक धोखा है यार एक खुद के साथ भी धोखा है और ये टाइम है यार जब आप जे प्राप्त कर रहे हो ना पर्टिकुलरली अगर आप जई प्राप्त नहीं कर रहे होते इतनी एक मुश्किल फेज ऑफ लाइफ में ना होते तो मुश्किल है एंड वी हैव दिस डिफिकल्टी एंड लेट्स एम्ब्रेस दैट दिस इज अ डिफिकल्ट पीरियड तो दि� बट इफ़ ये अगर ना होता तो आप कुछ करते हैं चलो एक बार को भाई वो माफ़ है पर अपना जेई में अपना सब कुछ यहाँ पे दाव पे लगा के आए हो कितना कुछ कुर्बान करके आए हो आपके माँ बाप ने होस्ता आपको अपना पेट काट के आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप यहाँ पे जेई की प्रिपरेशन कर पाओ और आप वहाँ पर किसी भी तरीके से क्योंकि ये उम्र भी ऐसी है कि आप उस डायरेक्शन में जा पा रहे हो जा रहे हो तो वो आप अपने साथ गलत कर रहे हो यार और वो आपको बंद करना चाहिए और इमीडिएट बंद करना चाहिए यह मत सोचो कि सामने वाले का दिल दुखेगा वो एक दिन दवाई कटना तो है देखो <laughs> <laughs> कटो तो उस चीज़ को स्पीड अप करो कल की जगह आज सही अभी, अभी 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 व्हाट्सएप करो उसको ये। तभी काट दो <laughs> <लौक। laughs> ये सही था भाई कटना अच्छा आपकी वीडियो में देखता हूँ बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हो कि आई ही मतलब बहुत बढ़ावा देते हो आप कहीं हर स्टूडेंट को मोटिवेट करते हो कि आई करना चाहिए करना चाहिए बट जिसका आईटी आई नहीं होता उसके लिए क्या मतलब एक तरीके से डिमोटिवेट भी हो जाएगा देख के वीडियो आपकी यार ये तो आईटी कोई को ही प्रमोट करते हैं कुछ दिन पहले मैं ना उसी कोचिंग के टीचर की वीडियो देखा था वो कहते सिलेक्शन एक सफ़र है मतलब प्रिपरेशन एक सफ़र है सिलेक्शन हुआ तब भी तब तो आप कुछ कर ही जाओगे नहीं हुआ तब भी कुछ कर जाओगे ठीक है जब नहीं हुआ या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो क्या दिक्कत है दिस इज ए ब्लड इन लूजर माइंड सेट वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जई यू आर हेयर टू वेन यू आर नॉट हेयर टू लूज नॉट हेयर टू लूज एंड ये टीचर ऐसा क्यों बोलता है इसलिए बोलता है उसके बच्चे में नहीं होगा तो पता है जो उससे पढ़ने आया है उसका कैसे हो सकता नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें जानूष करते हैं मैं बनाता हूँ गिनर्स के लिए ऐसा कोई जय एक्सपेरेंट नहीं होगा जिससे आप पूछोगे कि तुझे जीतने आया हारने आया और कभी नहीं बोलेगा हारने आए कोई हारने आया ही नहीं है तब हारने आया हो तो ऑनेस्ट रहो जीतना आया तो और जीतने वाला काम करना है और जब नहीं होगा तब तो देखेंगे पर अभी हम सिर्फ हर वो चीज़ करेंगे जिससे हम जीते ठीक है और यार आई नहीं हुआ जिसका मान लो और नहीं होता है नाइन्टी नाइन लोगों का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इसलिए नहीं होता कि आई सीट्स कम है ठीक है कम भी होंगी और बाकी लोगों को और कॉलेज में अच्छे वो मिल जाते हैं ठीक है टॉप जो देख देखा पचास साठ हज़ार रैंक लेके आते हैं जनरल कैटेगरी में वो किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में पहुँच ही जाते हैं तो जे में ऐसा नहीं होता पर जनरली मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग पढ़ाई नहीं करते और जो इंडिया अगर आप कह रहे हो आई में सीट्स कम है तो इंडिया जो है ऐसा ही सिचुएशन है एक अनार सौ बीमार हर जगह यही हकीकत है एक अनार सौ बीमार आज नहीं है ये आगे भी रहेगा पर आज तुम्हें इससे ज़्यादा गुस्सा इसलिए क्योंकि तुमने आज स्वीकार नहीं किया इस रियलिटी को क्योंकि आज तुम टीनेजर हो अडल्ट हो जाओगे तो ये रोज़ की कहानी बन जाएगी एक अनार सौ बीमार आई आई टी अगर नहीं भी होता और भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलता तो ये बच्चों के लिए सबक है इसमें यह मत सोचा ना बहुत लोग ये सोचते हैं कि आई आई टी सब कुछ नहीं होता नहीं मिला तो क्या हुआ फिर ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं आई आई टी अनसारे सक्सेसफुल नहीं होते फिर ऐसी ऐसी बातें बोल के ख़ुद को दिलासा दे देते हैं मैं नहीं मैं कहता हूँ मत लिया करो दिलासा भाई साहब दुख सहन करो कि आई आई टी नहीं मिला तो ये नहीं कि आई आई टी बेकार था इसलिए इसने बोला कि मैं बेकार था मेरी औरतें बेकार थी और ज़िंदगी में अगर मैं नहीं सुधरा ना तो आगे भी यही कहानी चलने वाली है मेरी ज़िंदगी यही बार बार होती रहेगी मगर एक टाइम तक कि आप जो है सक्सेस प्राप्त कर सकते हो उसके बाद कहने की बात है कि सक्सेस की कोई उम्र नहीं होती और यार यही होती है जवनी इसी में सबसे ज़्यादा चांस होता है उसके बाद आप इंडियन हो आप मिडिल क्लास हो आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं और अनेक तरह की जिम्मेदारियाँ बच्चा नहीं समझता है तमाम जिम्मेदारियाँ बताती फिर आपका मौका नहीं बचता ये मौका है और आई सबसे सबसे स्वर्णिम मौका है मैं आपको कारण बता रहा क्योंकि तो जब मैं आई की तैयारी कर रहा था मैं सोलह साल का था ठीक है आई आई जब मैं सत्रह साल का था सत्रह साल में ही मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया ना बोला हर कोई सत्रह अठारह इसी उम्र उन्नीस में इसी में करता है मगर जब मैंने कर लिया तो मेरे को उस वक्त मेरी लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ पूरी मैं भाग रू आगे की जो जवानी थी आईआईटी में और आई के साथ और फिर आई ग्रेजुएट होने के बाद में आप आई के नेटवर्क में तो रहते ही हो प्रोफेशनली आई आई के साथ ही कनेक्ट रहते हो तो आपका सोचो एक दर्जा एक स्टीचर एक स्टेटस एक आपके लोगों के साथ तो उठते बैठते हो वो कितना ऊपर चला जाता है इतने सालों तक वो ऊपर रहा और सदा के लिए ऊपर हो गया और इतनी कम उम्र में जब आप जब आप कुछ नहीं कर रहे जब आप हारा गर्दी करते रहे जब आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी जब आपका जिम्मेदारियाँ भी नहीं थी आपको यह थोड़ी तो होता रहा कि घर में पैसा कमा के देना है अभी आई की तैयारी करा ऐसे थोड़ी होता था उस ज़माने में जो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो जॉब छोड़ के जॉब नहीं करके फिर यूपीएससी की तैयारी करेगा वहाँ फीस अलग भरेगा जॉब अलग छोड़ेगा और घर वाले अपेक्षा करेंगे ग्रेजुएट है तो तनख्वाह तो होनी चाहिए कुछ उस उस टाइम पे वो कॉस्ट पर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो जेइंग इसलिए सबसे सुनहरा मौका है अगर जय इतना अच्छा ना होता तो मैं अपने छोटे भाई को जई के लिए प्रेप नहीं करवाता mm. जी ऐसा है यार इसलिए मतलब क्वालिटी के लिए मोटिवेट करता हूँ पर नहीं भी हुआ तो जिंदगी में सबक लो अब आगे अगली कोई भी चुनौती आएगी हम उसमें ढील नहीं देंगे और जो हमने करा ना जई के अंदर वो दोबारा कभी कर नहीं करेंगे ये लेसन होगा अच्छा तो कैसे अभी हम कुछ रैपिड फायर करते हैं आ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप बॉलीवुड में गाना कौन सा सुनते हैं बॉलीवुड सुनते हैं फिर हॉलीवुड कौन सा गाना सुनते हैं मैं सुन कि म्यूजिक में पंजाबी सूफी Mm. बाकी थोड़ा बहुत पॉप में मैं सुन लेता हूँ सिद्धू मूसे वाला बट <laughs> तो हाँ। mm. मेरे को सुकून देता है बॉलीवुड में कोई आपकी मतलब ज्यादा पसंद करते किसी को कोई वाला अच्छा नहीं देखते गाना भी नहीं देखते वीडियो वाले मैंने आखिरी मूवी देखी नहीं मैं देखता नहीं वेब सीरीज भी नहीं देखते ये सब मिडिल क्लास खेलने वाले आता है उनके लिए ना समझे आप तो मैं जैसे मेरा दोस्त था उसने मुझे बोला था कि चलते हैं आज वो देख के आते हैं सैम बहादुर तब मतलब वैसे ही चला गया था दोस्त आउट करे बड़ी अच्छी मूवी भी लगी थी मुझे एक और दोस्त ने कहा था वो है मतलब

कह रो कोई अगर इंसान में हल्की सी भी आई क्यू है हल्का सा भी कुछ भी है वो इस सीन को बर्दाश्त कैसे कर सकता है आधे घंटे तक बस क्या चला गया मैं कहा इंटरवल भी चला गया वो वह बस नहीं। देखा ही नहीं अच्छा अगर आप अभी कोई मूवी बनाते तो किस टाइप के बनाते मैं नहीं।, <laughs> नहीं मतलब आप अपना शेयर कर सकते हो कुछ अगर ऐसा ये मेरे को एक बहुत अच्छी मूवी लगी थी दंगल दंगल में मुझे क्या खास लगा था मतलब बहुत ही टचिंग मूवी लगी थी उसमें खास याद था यार कि एक हरियाणा में एक भाई गाँव में एक बाप सोचता है कि भाई मेरी बेटियां जो है देश के लिए पूरे देश के लिए दुनिया से गोल्ड मेडल लेके आएंगी और वो करके दिखाता है वो मुझे और वही तिरंगा देश का नाम सबसे ऊपर कर देता है वो लगी मुझे चीज़ भाई ये चीज़ है तो so, वो वैसी मूवीज मुझे, मुझे बड़ी पसंद आती है हुँ। हुँ। अच्छा कॉलेज लाइफ बेस्ट था या फिर प्रिपरेशन लाइफ कौन सा ज़्यादा मिस कर रहे हो मेरी वैसे सच बताऊँ वो तो अगर चार लाइफ सिंपल सिंपल बिफोर प्रिपरेशन प्रिपरेशन Hmm. कॉलेज तो और आफ्टर कॉलेज सबसे बढ़िया लाइफ है आफ्टर कॉलेज आई आई टी वॉज वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी आई लव आई आई टी ठीक है आई आई टी के अंदर मतलब आपका बहुत ज़्यादा आपका कम्पिटिटिव और लोनली वो होता है ठीक hmm. है आई आई टी में आपके आपके अराउंड एक से बढ़कर एक लोग होते हैं दुनिया hmm. के तमाम एरियाज में वो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं तो बोला हल्की सी और एक ना हेल्प कर देगा कल्चर कम होता है आई आई टी में hmm. सैडली हेल्प करनी है कल तो सर कम है एक दूसरे की हेल्प नहीं करते एक दूसरा कॉम्पिटिशन करते हैं तो वहाँ पर एक नेचुरल माहौल ऐसा हो जाता है कि लोग एक दूसरे की परवाह करते नहीं है न, 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 तो लगभग सब लोग जो है वहाँ पर एक स्ट्रेस से गुजरते हैं कुछ लोग जो उसके अंदर सिस्टम के अंदर फिट होकर वहाँ पर एक्सेल कर रहे होते हैं जैसे मान लो जो अच्छी सी जी पी एस ला रहे हैं कभी अमेरिका में इंटर्नशिप लगा के आ रहा है कुछ चाइना जा रहा है कोई सिंगापुर जा रहा है बड़ी बड़ी इंटर्नशिप दो लाख तीन लाख इंटर्नशिप में मिल गए एक महीने के छः लाख एक बंदे को तो पाँच साढ़े चार लाख रुपये कुछ मिले नौ लाख रुपये मिले पूरे इंटर्नशिप के तो वो सब लोग जो है वो भाई एक अल्टीमेट फ्लैक्स होता है ना तो आई में जो बंदे अलग रास्ते पर चल रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा तनहा हो जाता है रास्ता तो मेरे लिए वैसा रहा था और मैं सही लोग वहाँ पर ढूंढ नहीं पाया था पर जब तो थोड़ा मेर हुआ बड़ा हुआ तो मैं आई टी से बाहर आ गया उसके बाद मुझे देखा मेरे जैसे बहुत लोग हैं आई आई टी एन्स बहुत सारे आई आई टी एन्स हैं जो अलग अलग फील्ड में जाकर अलग हट के कुछ कर रहे हैं और मैं उनके साथ जुड़ा था तो मुझे सुकून मिला कि भाई ये तो मेरे सीनियर हो तो वो हेल्प भी बहुत करते हैं और स्टार्टअप की दुनिया में आई जब टी तो जब मैं मतलब थर्ड ईयर में मैं इसमें जुड़ा था तो वहाँ पे से फिर मेरी वो लोनलीनेस कम हुई पर कॉलेज की जब तो भी याद करता हूँ तो वो स्ट्रेस और लोनलीनेस प्लस एग्ज़ाम आई आई टी बहुत टफ है यार आई के एग्ज़ाम ऐसे ही आप पास नहीं कर सकते जो अंदर एग्ज़ाम होते हैं और आई आई में ना एक साल में तकरीबन पचास बार एग्ज़ाम होते हैं ठीक है मैं पचास एग्जाम होते हैं मतलब एक सेमेस्टर चालू होता है बोलो क्या स्ट्रक्चर होता है सेमेस्टर का एक बात आप कॉलेज गए किसी आप कितने दिन वहाँ पे पहले थोड़ा सा मस्ती करोगे थोड़ा इधर उधर देखोगे यार दोस्तों से नए लोगों से मिलोगे सेटल होोगे नई 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 जगह चेक करोगे कहाँ क्या, क्या मिलता है कहाँ से क्या खाते हैं कौन दोस्त क्या दोस्त कैसे लेक्चर होते यार देखोगे कितना टाइम लगेगा एक कोई एक महीना चला जा रहा ना मैं कह रहा हूँ पच्चीस दिन चले गए आपका पच्चीस दिन जैसे गए पाँच दिन बाद आपके एग्ज़ाम चले फिर से लग गए <laughs> अब फिर क्या होगा कोई बात नहीं चलूंगा आपके एग्जाम्स हुए आपने बहुत ज़्यादा आप एक ट्रामा से गुजरे ठीक है आपने पढ़ लिया कुछ किया कुछ भी किया अब उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो हो अब आप चैन के हासिल हो गए क्लब व्लब का काम करोगे कुछ करोगे फिर यार दोस्त घूमोगी हो फिर होगी हो कोई ट्रिप पे चलने गई कुछ भी आपको काम करोगे ठीक है अपने लिए कुछ करोगे करियर के लिए कुछ करोगे ठीक है पंद्रह बीस दिन तो लोगे ना कम से कम ठीक है मान लो फिर आपने पच्चीस दिन ले लिए फिर पाँच दिन बाद एग्जाम <laughs> एक महीना जैसी ख़त्म होगा एग्ज़ाम एक महीना अगला खत्म फिर एग्ज़ाम फिर दो महीने का बीच में गैप रहता है तो चार महीने का सेमेस्टर होता है बेसिकली सेमेस्टर तो छः का होता चाहिए पर होता क्या है आई आई में दिल्ली में होता है और मुझे लगता है बाकी में भी यही होता होगा बस दिल्ली का बता सकता हूँ मैं चार महीने का एक सेमेस्टर होता है तो चार चार महीने के दो सेमेस्टर हो गए तीन महीने की समर ब्रेक एक महीने की विंटर ब्रेक हो गया पूरा साल तो चार मैं सेमेस्टर का बता रहा हूँ एक महीना बीता एग्ज़ाम दूसरा महीना बीता एग्जाम फिर दो महीने बाद फिर एग्ज़ाम होते हैं वो मेजर एग्ज़ाम होते हैं फाइनल एग्ज़ाम सबके वर्क जुड़ते हैं पर इस दो महीने का गैप होता है ना hmm. इसमें प्रोफेसर दबा दबा के क्विजेज आपको भेजता रहता है क्विज और करते ये रहो वो इतना ज्यादा आपके लिए एक्टिव हो जाता है कि आप उसको बर्दाश्त कर गए तो कर गए वरना आपके नंबर वगैरह जाएंगे आप उसी में रह जाते हो कंटिन्यूस एवेल्यूशन होती है ना तो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है खासकर तब जब आपको सब्जेक्ट में खास इंटरेस्ट ना हो अच्छा ऑनलाइन कोचिंग से ये ऑफलाइन ऑफ़लाइन uh, में ना अच्छे टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है yeah. अच्छे टीचर किसी किसी को नसीब होते हैं पर ऑनलाइन में अच्छा टीचर कोई भी अपने लिए चूज कर सकता है yeah. तो मैं मैं और ऑफलाइन ऑनलाइन सस्ता भी है और जब मैं ये बड़ी गलत बात मानता हूँ बच्चा कहता है ऑफलाइन में डिसिप्लिन बन जाता है और वो जिसको डिसिप्लिन कोचिंग जाके बन रहा है ना वो आई नहीं कर पाएगा माई अच्छा कोई वीडियोस या फिर किस यूट्यूबर को आप ज़्यादा देखते हो मैं यार मैं ना थोड़ा मेरा किस टाइप की वीडियो देखते हूँ मैं यार मैं ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल वीडियोज़ देखता हूँ कि जिसमें जैसे एक मुझे उसमें सार्थक जाए आजकल मेरी फीड पे आ रहा है हो जाए थोड़ा फिनेंस वगैरह के बारे में बताता है चार चीज़ें पता चल जाती हैं सैम ऑल्टमैन मुझे बड़ा पसंद है सैम ऑल्टमैन mm. बहुत पसंद ना होंगे तो वो एक भी बात बोलता मुझे बड़ा पसंद आता तो मैं किताबें पढ़ता था असल में यूट शॉर्ट्स वगैरह कम चलाता हूँ यूट्यूब पर कम देखता हूँ मैं मैं बुक पढ़ता हूँ बहुत ज़्यादा पीछे देखते हो बुक से कई मेरे पढ़ती है सारी पढ़ रखा है अपने एन ये तो पढ़ी रखी है इनमें से कुछ नहीं पढ़ रखी तीस चालीस परसेंट इन्होंने नहीं पढ़ रखी पर मैंने इसकी ट्रिपल से भी ज़्यादा बुक्स पढ़ रखी है उस पर अपने लैपटॉप पर मैं लैपटॉप पर बुक्स पढ़ता हूँ भाई हाल में मैंने एक बड़ी अच्छी किताब पढ़ी थी हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स थि बेन वेट्स की मतलब ऐसी किताबें मैं पढ़ता हूँ उसमें मुझे भाई बहुत नॉलेज मिलती है कि इन्होंने भाई इन्होंने पता तो एक कंपनी बनाई थी वन बिलियन डॉलर थ्री बिलियन डॉलर की इन्होंने बेची थी अमेरिका ऑनलाइन को ठीक है वो भी बहुत पुराने टाइम्स में एक इन्होंने एक और बेची थी कंपनी 1.8 बिलियन डॉलर की एच पी को एच का लैपटॉप आता है ना उसको बेची थी उन्होंने अपनी अपनी जर्नी बताई कि इतनी टफ जर्नी थी मेरी तो मेरे को ऐसी चीज़ बहुत मोटिवेशन मिलती है हाँ फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं घर के खाना अरे मैं फास्ट फूड बहुत पसंद करता हूँ यहाँ तक कि इतना पसंद करता कितना मेरे खुद का रेस्टोरेंट है जैसे मैंने बताया ना तीन मतलब मेरी खुद की रेस्टोरेंट चेन है जैसे मैंने बताया था तो मैं बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ

ओ मतलब मैं मैं तो कभी डॉक्टर ना बनाऊँ hmm. मैं तो भाई यही ठीक हूँ मेरे डॉक्टर की लाइफ बहुत टफ होती है ठीक है यानी आप भाई आप एम बी बस करते हो छः साल लगा के ठीक है आपकी ग्रेजुएशन में छः साल लग गए नीट भी दो तीन बार दे रहे होते हो ठीक है छः साल लग गए ग्रेजुएशन में मेरी ग्रेजुएशन चार साल में हो जाती है बी टेक दिन तकलीफ ठीक है उसके बाद भी आप जो है आपको उतना पैसा नहीं मिल पाता फिर आप मैं नहीं कह रहा बोरा नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि इतनी टफ़ लाइफ है उसके बाद आप मास्टर्स करते हो एम डी वगैरह करते हो मेरे सिस्टर खुद भाई एम बी एस कर रहे तो मैं समझता हूँ ये चीज़ फिर आप एम बी एम डी करते हो और उसमें आपको पी जी कहते हो तो पी जी करते हो नीट पी जी की तैयारी करते हो इतनी तो एम बी बी एस की इतनी टफ पढ़ाई फिर नीट पी जी की इतनी टफ़ प्रिपरेशन और कॉम्पटिशन hmm. उसके बाद आप करते हो तीन चार साल उसमें खड़े लग जाते हैं मेरी बहन को मैं देखता हुआ अठाई साल की हो जाएगी वो जब तक वो पी जी कर चुकी होगी तब जाके वो कमाना शुरू बनाएगी और उसमें आई टीन ज़्यादा कमाते हैं डॉक्टर ज़्यादा कमाते हैं यार ऑन एन एवरेज कहोगे तो मैं कहूँगा डॉक्टर ज़्यादा कमाते होंगे आई एम श्योर पर आई टी कम उम्र में ज़्यादा कमाते हैं आई टी इक्कीस साल की उम्र में ही जो है आपको जो आप पैकेज सुनते हो सोचो ये भी तो सोचो तो वो इक्कीस साल की उम्र में ही कमाने लग जाता है आई टी जल्दी कमाते हैं और उसके बाद की ट्राइजेक्टिंग उस पर्सन के हाथ में है कि अगर वो चाहे वो और हासिल करे तो अपने आप को अगर डॉक्टर जितनी मेहनत करते हैं ना अगर इंजीनियर उतनी मेहनत करने तो वो ऐसे कोई हद ही नहीं जितना पैसा कमा सकते पर जनरली डॉक्टर वाली मेहनत वो नहीं करते हैं अच्छा कभी पॉलिटिशियन वगैरह पे कोई इंटरेस्ट है आपका पॉलिटिक्स का कर... कौन से पॉलिटिक्स का पॉलिटिशियन यार मैं पॉलिटिक्स ना पहले मैं भाई ये सब सोचता था जब इंपायर में से बाहर हो गया ये सब भी मिडिल क्लास चीज़ें मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास लोग पॉलिटिशियन को लेकर बहुत जज्बाती होते हैं hmm. पर बात सोच रहा हूँ hmm. पहले जब मैं देखता पहले की स्पीच में मोदी जी कहते थे hmm. मैं खिलाफ या प्रो नहीं हु बात कह रहा हूँ बस पहले मोदी जी कहते थे कि जीएसटी बेकार है जो कांग्रेस ला रही थी और फिर वो खुद ही जी एस टी ले आए ठीक है और पहले कांग्रेस खुद आधार लगी थी नहीं। वो देश को एग्जीक्यूट कर रहे हैं लिंकिंग कर रहे हैं तो ये उन्हीं का प्लान था वो कह रहे हैं बेकार रहे तो पॉइंट बता क्या है कि सारी पार्टीज़ को वही सारे काम करने होते हैं देश वैसे ही चलेगा एक तरीके से वही चलता है। नहीं। नहीं। नहीं होता है थोड़ा बहुत उन्नीस बीस का फर्क होता है तो हम ना हम बहुत जज्बाती होते हैं इन चीज़ों के बारे में बट अगर आप रेलवे में जो होता है तो हम कॉर्गेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता जो होना वो होगा पब्लिक की एक्चुअल से कुछ है नहीं कि एक्चुअल कोई पब्लिक कोई डिसाइड नहीं करती ये। वो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे बोला कौन उनका नेता बनेगा बनेगा वो इंस्टाग्राम पे आप, आपने एक रील देखी फिर अगली देखी फिर अगली रील देखी आपका माइंड मेकअप हो गया आपको पता भी नहीं आपको रील दिखा माइंड कैसा हो गया आप अपने आप सोचते हो उसका ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में मन नहीं चेंज करना चाहिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बाहर निकल जाओ मतलब मैंने यार एक्चुअली मैं, मैं ऐसा क्यों कुछ पाता हूँ मैंने बहुत साल तक इंटेलेक्चुअल स्टडी किया मैंने बहुत सारी पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ी तब मेरे को समझ में आया कि ये सब भाई फरेब है ये सब जोटा है मजाक है खुद को पब्लिक को धोखा अपनी आई वॉश है भाई आप कुछ चूज कर दो कुछ नहीं चूज कर रहे आपकी कोई वैल्यू है भी नहीं ठीक है एक आदमी कहता है एक एक वोट की वैल्यू है एक वोट डाल के आ जाए उससे क्या हो जाएगा तीसरा चेंज हो जाएगा असल में हो पता नहीं है और ये सब पब्लिक को डिलोर्स का वोट भी किस बात पर आधारित है कि उसने रील्स कौन सी देखी थी रील की बात नहीं है बात है भाषण सुनाओ फिर पुराने भाषण सुनते रहे उस किसी दूसरे सुनाओ व्हाट्सएप ग्रुप देखा हो ठीक है कुछ भी और दोस्त से चार लोगों के डिस्कशन में सुना हो कुछ इन चीज़ों से वो इन्फ्लुस होकर कुछ बताता है उसकी कोई प्राइमरी स्टडी नहीं है प्राइमरी स्टडी बहुत बड़ी बात है हमारे प्रदेश की पब्लिक के लिए बोलना कि प्राइमरी स्टडी का मतलब होता है कि भाई आप खुद एनालिसिस करके आए हो आपने पॉलिटिक्स सोसाइटी सोशल जोग्रफ़ी इकनॉमिक्स ये सब को गहन लेवल पर समझा है उसके बाद आप एक बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड कंक्लूजन पर पहुँचे हो कि आपको इस पार्टी को वोट दोगे तो आपके देश का जीडीपी पर कैपिटा इस नंबर से इस नंबर तक चला जाएगा आपका देश ये ये चीज़ें अचीव कर चुका होगा आप बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस करके ये इवेल्यूएट कर रहे हो इसमें थोड़ी

Uh, thank you for giving me your platform to express my views. And besides, uh, all the best to all students from my end. Thank you so much. Anyway.